क्या आप जानते हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? मत्स्य पुराण में वास्तु पुरुष के बारे में बताया गया है कि एक बार अंधकासुर राक्षस का भगवान महादेव से भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान महादेव ने अंधकासुर राक्षस का वध कर दिया, लेकिन वध करते समय भगवान महादेव के पसीने की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जिससे एक विचित्र प्राणी की उत्पत्ति हुई। उस विचित्र प्राणी ने पृथ्वी पर जितना भी खून था सब लबालब पी गया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब उसने भगवान महादेव से प्रार्थना की, भगवान मेरी भूख शांत नहीं हुई, मैं भूखा हूँ, मुझे तीनों लोगों को खाने की अनुमति दे। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसा सुनते ही सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, अगर उस विचित्र प्राणी ने तीनों लोगों को खा जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे ही वो पृथ्वी को खाने के लिए झुकेगा तो उसके शरीर पर बैठ जाना। उस विचित्र प्राणी ने जैसे ही पृथ्वी को खाने के लिए पृथ्वी की तरफ झुका तो सारे देवता 45 देवता राक्षस मिलकर उसके शरीर पर बैठ गए, जिससे वो उठ नहीं सका। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी भूख शांत नहीं हो सकती, चाहे तुम तीनों लोगों को खा जाओ, तुम्हारी भूख शांत करने के लिए जो पंच तत्व को फॉलो नहीं करेगा और उससे हटकर कार्य करेगा उसके जीव में विघ्न परेशानियां आएगी, तब तुम उसको अपना आहार बना लेना। इस तरह से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। 45 देवता जो उसके शरीर के अंग पे विराजमान थे वो उस अंग के देवता कहलाए। विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु पुरुष के जन्म के बारे में उल्लेख है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शनिवार कृतिका नक्षत्र में व्याति वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। वास्तु पुरुष का नाम है वास्तुष्पति, क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है। वास्तुशास्त्र की विद्या प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। वास्तु करते समय किसी भी घर के लिए हर दिशा के स्वामी, ग्रह, प्लैनेट्स, पंच तत्वों का ध्यान में रखा जाता है। अपने आवास हेतु भवन निर्माण करते समय यदि जो जिस दिशा के स्वामी है, ग्रह है और इस दिशा के जो पंच तत्व है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता तो जीवन में हमेशा कठिनाई परेशानियां बनी रहती है, क्योंकि दिशाओं के स्वभाव के अनुकूल घर बना होता है तो वहाँ पे हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहेगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यदि दिशाओं के स्वभाव के अनुकूल घर नहीं होता तो वहाँ हमेशा नकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है, जिससे जीवन में कठिनाई, परेशानी और तकलीफें आती हैं।